रेवांश कहाँ जा रहे हैं हम? दोस्तों हम आ चुके हैं तरुण द्वार खाटू श्याम के दरबार पे, खाटू श्याम के धाम पर। ये है तरुण द्वार और अब हम जाएंगे दर्शन करने। यहाँ का माहौल देखिए, माहौल ही निराला है। देखिए सब हाथों में निशान लेकर घूम रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है और सब भक्ति में मगन है। कोई ढोलक में नाच रहा है और यहाँ का जो माहौल है वो भक्तिनुमा है, शानदार है। और आज हम अपने इस सफर में निकल चुके हैं और अपने खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। चलिए मेरे साथ आप रहिए और मैं आपको कराऊंगा खाटू बाबा के दर्शन। खाटू श्याम जाने के लिए रेडी सभी? बोलो हरे का सहारा। खाटू श्याम मारा। राजस्थान में पहुंचते ही आपको वहां के सूखे पहाड़, ऊंट, भेड़, बकरी आपका स्वागत करते मिलेंगे। अभी हम आ गए हैं रिंगस में। ये रिंगस जगह है, जयपुर से अगर आप आ रहे हो तो यहाँ तक कि आपको बस मिल जाएगी और रिंगस रेलवे स्टेशन भी है। आप यहाँ बाय ट्रेन भी आ सकते हैं और यहाँ से अगर आप ऑटो वगैरह करके भी आप पहुँच सकते हैं। अब हम पहुँच गए हैं रिंगस और यहाँ देखिए आपको निशान भंडार मिल रहे होंगे, दिख रहे होंगे बहुत सारे। यहाँ से आप निशान ले सकते हैं और पथ यात्रा करके पहुँच सकते हैं खाटू श्याम मंदिर। यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर पड़ता है हमारा खाटू श्याम मंदिर। और मैंने अपने निशान ले लिए हैं और अब हम जाएंगे खाटू श्याम मंदिर में। पथ यात्रा तो हम नहीं कर रहे हैं, गाड़ी में भी आप ले जा सकते हैं और जो गेट आएगा वहाँ से आप पथ यात्रा कर सकते हैं 1 या 2 किलोमीटर लगभग। लीजिए निशान, लीजिए अपने अपने। अभी हम हैं एक निशान बेचने वाली शॉप पर। हाँ भैया, ये जो पोटली है ये क्या है? नारियल। नारियल है ये? अच्छा नारियल है। और ये फिर कितने कितने रुपए के हैं? ये 40 का और ये बड़े वाला 80। ये 80 का नारियल के साथ है 80। अच्छा और मोरपंख वाला नहीं है? कितने में? 80 में ही। 80 में ही मोरपंख लग जाएगा ये बड़े वाले में और नारियल भी लग जाएगा 80 रुपये में। वेरी गुड। बहुत सारे जन यात्रा कर रहे हैं। देखिए इस तरह से आप पथ यात्रा कर सकते हैं अपने। जय श्री श्याम, हरे का सहारा, श्याम हमारा। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम, बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। रिंगस से अब आप जब खाटू जाएंगे तो रास्ते में पथ यात्रा हम कर सकते हैं। देखिए भक्त लोग हाथों में निशान लेकर यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में आपको ऐसे छोटी छोटी खाने पीने की मैगी वगैरह, चाय पानी की दुकानें मिल जाएगी। आप खाना पीना नाश्ता करते हुए 17 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए सभी खाने पीने के लिए रेडी है। तो बोलिए हरे का सहारा, हरे का सहारा, जय बाबा की, जय बाबा की। खाटू पहुंचते ही सबसे पहले मिलता है तरुण द्वार जिस पे लिखा रहता है जय श्री श्याम। इसके आसपास का माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है, सब लोग झूमते रहते हैं, ढोलक बजता रहता है, अपने हाथों में निशान लिए, झंडे लिए, वे सब लोग बाबा की भक्ति में झूमते रहते हैं। हम आ चुके हैं खाटू में और ये हमारा, हमने बुक किया है श्याम शरण गेस्ट हाउस और यहीं पे आसपास, यहीं पर हमारी गाड़ी पार्क हो जाएगी। यहाँ पर आपको खाटू में बहुत सारे गेस्ट हाउस, धर्मशाला बहुत सारे मिल जाएंगे। लगभग 500-600 रुपये
में से लेकर 1500-2000 रुपए तक यहाँ पर रेट है। ये हमें श्याम शरण गेस्ट हाउस 800 रुपीज़ में पड़ा है। शाम तक नहाना, आराम से नहाना धोना करके आराम से हम निकल जाएंगे दर्शन के लिए। ये हमारा गेस्ट हाउस है श्री श्याम शरण। हम रेस्ट कर चुके हैं, शाम के 4 बज चुके हैं और हम अब जा रहे हैं मंदिर में। सुबह हम 12 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे 5 घंटे की जर्नी करके, और हमने रेस्ट किया है, नहा धो लिए हैं, हम रेडी हैं। कहाँ जाने के लिए? मंदिर जाने के लिए। मंदिर किसके मंदिर? खाटू श्याम जी के। खाटू श्याम के मंदिर जाने के लिए हम रेडी हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो गेस्ट हाउस है काफी अच्छा है, खाना भी अच्छा है। मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से मंदिर है लगभग 400 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पर हम पैदल यात्रा करेंगे, मंदिर तक जाएंगे और मंदिर में हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे। कुछ ही टाइम के बाद हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए एंट्री गेट पर पहुंच गए। ये वहां की मार्केट थी, आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। अगर आपने पहले यहां आए हैं तो आपको पता होगा फरवरी महीने से पहले लगभग 3 महीने तक खाटू श्याम मंदिर बंद रहा था और पूरा इसको नया रूप दे दिया गया है, नया लुक दे दिया गया है। ये जो गलियां हैं बहुत कंजस्टेड होती थी पहले, अब इसको पूरा खुला खुला कर दिया गया है और एंट्री गेट भी काफ़ी कर दिए गए हैं और अब जो दर्शन होते हैं बड़े आराम से व्यवस्थित तरीके से हो जाते हैं। श्याम बाबा के दर्शन होने से पहले ही स्क्रीन पर उनके पहले ही दर्शन हो जाते हैं। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, पहले ये लाइनें नहीं थी, अब लगभग 16 लाइनें ये बना दी गई है और व्यवस्थित रूप से सब इन लाइनों में जाते रहते हैं और श्याम बाबा के दर्शन आराम से करते रहते हैं। बोलो बाबा के हारे का सहारा, हारे का सहारा। इस हेलीकॉप्टर फैन के नीचे तो ऐसा लग रहा है जैसे एसी में बैठे हैं। हा हा हा, मजा आ रहा है। आ रहा ना एसी का मजा? बोल दो इसी बात पे, हरे का सहारा बाबा के एसी की। हमने भी काफ़ी भक्तों की तरह गुलाब के फूल और मोर पंख लिए जो बाबा को अर्पण किए जाते हैं और उसके बाद अपने घरों में मंदिर में लगाए जाते हैं और उसके बाद बाबा के दर्शन किए। बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से बाबा के दर्शन हो गए, बाबा के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही आपको बहुत ही खूबसूरत मार्केट मिलेगी जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और उससे 200-300 मीटर दूर चलकर मिलेगा श्याम कुंड। मान्यता के अनुसार श्याम कुंड में स्नान करने के बाद आपके सारे शरीर के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। दर्शन करने के बाद आप राजस्थान की मीठी लस्सी और वहाँ की कचौरी जरूर ट्राई कर रहा हूँ। ये भक्तों के नाचने का नज़ारा है सालासर बालाजी धाम का। खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद हम गए सालासर धाम। बालाजी सालासर धाम की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, उसको आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या आई बटन से देख सकते हैं। और दोस्तों आपको ये सफ़र कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और नीचे कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।